दोस्तों, आप लोग क्या ऑनलाइन में गेम खेलते, सट्टाबाजी करते, पैसा लगाते सट्टाबाजी में, ऑनलाइन जुआ गैम्बलिंग वगैरह? मत करिए। जी हाँ, बिल्कुल मत करिए ये सब चीज़ दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज जो मैं कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ मैं, वो सच है, उसमें कोई वो नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ आप लोग, वो सच होता है दोस्तों। तो कहानी है दोस्तों आज सौरभ चंद्रकर की। ये जो दोस्तों, ये जो सौरभ चंद्रकर जो लड़का है ना दोस्तों, इसने ऐसा कर दिया, इसने दोस्तों मतलब स्कैम जो बोलते हैं, इतने रुपए का स्कैम पकड़ा गया है दोस्तों। इसने दोस्तों बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी इन्वॉल्व कर दिया इस चीज़ में। उसने अब इस स्कैम के उस स्कैम के अंदर में उसने उन लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया। अब ये बात बहुत हाई लेवल तक चली गई दोस्तों। तो बात करते हैं हम दोस्तों सौरभ चंद्रकर की। तो दोस्तों बात यह है कि ये एक टाइम पे जूस का ठेला लगाता था दोस्तों, छत्तीसगढ़ भिलाई के एरिया में, और था वहाँ का लड़का था वो। तो एक टाइम पे वो जूस का ठेला लगाता था दोस्तों। तो जूस का ठेला लगाते लगाते भिलाई में रहने वाला, उनके पिताजी एक पंप ऑपरेटर थे गवर्नमेंट जॉब में, बहुत तेज़ दिमाग था उनका भी, उनका बेटे का। उन्हें गरीबी देखी होगी कि ये चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई से रहने वाले जूस की दुकान चलाते थे। 2019 में दोस्तों दुबई भागे वो, है ना, गए। एक दोस्त रवि उत्पल, उनके जो दोस्त थे रवि उत्पल को भी बुलाया उन्होंने वहाँ पर, है ना। फिर उसने वहाँ पर एक महादेव ऐप, है ना, महादेव ऐप बोल के एक चालू किया है, जहाँ पर सट्टेबाजी होता है ना। फिर सट्टा खेलना शुरू किया उन लोगों ने वहाँ पर। फिर ऐसे करते करते उसने बाकी इंडियंस, कुछ हिंदुस्तानी को भी उन्होंने उसने वो किया, मतलब मैनिपुलेट किया कि यहाँ पर सट्टेबाजी होता है, ये सब होता है, करने से पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। अब दोस्तों ऐसे करके वो जूस का ठेला लगाने वाला बंदा दुबई चला गया, शेखों से मिला जाके। महादेव डेट जो उसने एक ऐप खोला, जहाँ पर वो सट्टेबाजी जुआ का वो चला रहा था, तो ये उसने शुरू किया। फिर उसने शादी की वहाँ पर कुछ साल पहले, और उस शादी में दोस्तों 200 करोड़ का खर्चा गया था दोस्तों। जी हाँ, और उसी शादी में ही बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या हुआ। तो जब जब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, जब जब कुछ ना कुछ स्कैम होता है दोस्तों बॉलीवुड में, है ना, हमारे ये मतलब हमारी जो है ना शक्ति कपूर की बेटी, आओ श्रद्धा कपूर की बेटी, जो श्रद्धा कपूर जो होते हैं ना, शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर क्यों फंस जाती है दोस्तों? शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर हमेशा फंस जाती है कि बात कर रहा हूँ मैं। अब उनके कुछ साल पहले दोस्तों फरहान अख्तर के साथ रिलेशन में था वो, फरहान अख्तर के साथ लिविंग में चली गई थी। फिर शक्ति कपूर उनके पापा उनको लेके आए, बोले नहीं इतना बड़ा आदमी के साथ कैसे रहेगा, ये हुआ एक। फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला था, उसमें भी उनका नाम आया, हालांकि सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार के टाइम में भी श्रद्धा कपूर आई थी वहाँ पर, है ना। फिलहाल जो बात मैं कर रहा हूँ वो है, एक जूस की रेडी, जूस की दुकान चल लगाने वाला बंदा की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, है ना। और इस 200 करोड़ रुपए के खर्चे में हमारे बॉलीवुड के जितने भी लोग थे, बहुत सारे 20 से 25 लोग वहाँ पहुँच गए अपनी कमर मटकाने, कमर ठुमकाने के लिए। उनका क्या है, पैसा ज़्यादा हुआ चले जाएंगे, है ना, को लड़ हिलाने के लिए। और अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है ईडी, बोल रहे हैं कि इतने दूर जाके जब ठुमके लगा रहे हो तो हमारे साथ भी थोड़ा चाय पानी का कर लो, चाय नाश्ता कर लो, है ना। तो इस पूरे मामले में रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा, समन भेजा है। हिना खान को, कपिल शर्मा को, नेहा कक्कर को, हुमा कुरैशी को और सनी लियोनी को, श्रद्धा कपूर को, कृति खरबंदा को, भाग्यश्री को, विशाल ददलानी को, सबको समन भेजा। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। रणबीर कपूर ने बोला मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, फिर मैं आपको वो करूँगा, इत्तला करूँगा क्या करना है। ईडी को बोला उन्होंने 2 हफ्ते का मुझे टाइम दो, तो सबको समन भेजा। अलग अलग तारीख में ईडी ने उनको बुलाया, इंटरोगेशन करेंगे उनको, इंटरोगेशन करेंगे अलग अलग तारीख में। तो महादेव बेटिंग ऐप के मामले में अब श्रद्धा कपूर को भी भेज दिया गया है नोटिस। जी हाँ, उनको भी नोटिस भेज दिया गया है इंटरोगेशन के लिए। तो पूरा मामला है कि एक जूस की दुकान लगाने वाला दोस्तों बंदा, और एक टायर की ट्यूब
पंचर बेचने वाला बंदा, उन्होंने सट्टा लगाकर शुरू किया था ये सब जो गेम है ना, स्कैम। फिर उन्होंने जो है ना, वो दुबई चले गए वो, है ना, जुगाड़ लगा के शेख से मिले, वापस जाके ये सब किया। फिर उसके बाद पूरा हिंदुस्तान उसमें सट्टा लगाने शुरू किया, है ना। शेख लोगों का क्या, उसको पैसे से मतलब है। तो उसे 200 करोड़ पर डे की कमाई की उन लोगों ने, पर डे 200 करोड़, इतना सट्टा खेला हिंदुस्तान ने। अब कमाल उन्होंने की, लेकिन ये फंसे इसलिए क्योंकि जो बंदा है ना मालिक, महादेव ऐप का, इसने पिछले साल शादी की और उस शादी में उसने 200 करोड़ रुपए उड़ाए। इतना था कि उसने अपने रिश्तेदार को प्राइवेट जेट से नागपुर से दुबई बुलाया, है ना, शादी में बुलाया। वहाँ पर मतलब आलीशान पार्टी हुई, बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम थे, वो वीडियो ईडी के हाथ लग गए कि बॉलीवुड के इतने लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, अचानक से क्या है उस शादी में। तो फिर पता चला कि अच्छा ये मामला है, इसीलिए क्योंकि ईडी को पता है बॉलीवुड कहीं भी जाएगी पैसों के लिए जाएगी। तो जब जब कुछ ना कुछ स्कैम होता है तो ये सब ज़रूर होता है ना, तो ये कोई आम बात नहीं है। अब कहानी है, वो 200 करोड़ जो शादी हुई थी वो 200 करोड़ रुपए कैश में किया गया था लेन देन, है ना, और 40 करोड़ होटल बुकिंग कैश में की गई थी, और सेलिब्रिटी को कैश में हवाला के थ्रू पैसा दिया गया था। सेलिब्रिटीज जो आए थे उनको पैसे देने पड़ते, तो उनको कैश में दिया गया था पैसा, क्योंकि इतना सारा पैसा तो कैसे देगा वो, सब हवाला के थ्रू ही पैसे दिए गए थे। ये मामला तब पता चला जब ईडी ने रेड में 400 करोड़ रुपए पकड़ा गया था। ईडी ने एक रेड किया तो उसमें 400 करोड़ रुपए पकड़े गए। भाई ये हो रहा है, देखो दोस्तों ये हो रहा है, यहाँ पे कितने सारे लोग पकड़े गए, यहाँ पे अतीफ असलम पकड़े गए, कृष्णा अभिषेक भी गए, अभिषेक कृष्णा अभिषेक गए, टाइगर श्रॉफ गए, है ना। तो कोई बोल रहा है टाइम दे दो मैं आऊँगा इंटरोगेशन के लिए थोड़ा 2 हफ्ते का। तो ये सब चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक मामला है दोस्तों। मैं तो चौंक गया ये सब सुन के, बहुत ही मतलब क्या बताए, ये सब बॉलीवुड में क्या चल रहा है। बेटिंग ऐप वेब वगैरह में मत जाइए, ये सब मत खेलिए, कई जो फेक अकाउंट पकड़े गए बैंक अकाउंट, इसमें मत करिए। बेटिंग ऐप में पैसा मत लगाइए, ऑनलाइन में मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, मत करिए मत करिए मत करिए। और ये सब बहुत ही गंदा चीज़ होता है, ये सब जो लूडो ऑनलाइन में खेला होता है पैसे से। पहले पहले तो आप जीतेंगे, फिर आपको नशा लग जाएगा, उसके बाद जब हारेंगे तब तो आप ख़त्म आपका सब, तो मत करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए दोस्तों। अभी शिखर धवन वाली वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी देखिए कैसे लूटा जा रहा है सबको पैसों से, फॉरेनर लड़कियाँ कैसे इंडियंस को लूट रहे हैं। तो सावधान रहिए, टेस्टोस्टेरोन रश को थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है, ज़रूरी है पर मैं मानता हूँ, पर थोड़ा कंट्रोल करिए। थैंक यू, बाय, चैनल सब्सक्राइब करिए।